ये हमारे शकील भाई ये हैं, लग रहा अच्छा लग रहा है इनको देख के है? अभी मिलेंगे, अभी नहीं, फ्री में नहीं, पहले शांति बनाओ। तो ये आप सभी ध्यान दें, ये नए बच्चे हैं, आप लोग हैं, ये भी पुलिस में है, मैं भी पुलिस में हूं, कौन कहां जा रहा है, और तगड़ा होते जा रहा है, और तगड़ा और जगह घेरते जा रहा है, तो कौन अफवाह ये फैला रहा है कि फलाना को जाना है, ढिमकाना को जाना है, यहां तो और तगड़े होते जा रहे हैं। तो आपने मिसाल सही देनी है, आपने मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके इस तरीके से पुलिस में भर्ती होना है, आर्मी में भर्ती होना है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो बनना अपने बच्चों को बनाओ, सभी बच्चों को, कोई भी गुमराह ना करे, कोई अफवाह पे मत ध्यान दो, आपका भविष्य इधर होना चाहिए। ये मोहम्मद शकील भाई है सब इंस्पेक्टर, ये आपका भविष्य होना चाहिए, ना कि धरना प्रदर्शन पत्थर फेंकना। किसी को कोई शक है, किसी को कोई भ्रम है, मुझसे बात करे, इमरान भाई से बात करे, शकील भाई से बात करे, लेकिन कानून को अपने हाथ में ना ले, ना किसी अफवाह में ध्यान दे। ये मेरी बात आप सबसे गुजारिश रहेगी। आज भी कितने बजे नमाज आज पढ़ेंगे? 1:45 बजे। सब कुशल नमाज को संपन्न कराइए। नमाज होने के बाद में किसी को भी लग रहा है कि नहीं मुझे इस बिल के बारे में और जानकारी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, मोहम्मद इमरान भाई आपको इसके बारे में जितनी जानकारी चाहिए सब बताएंगे, लेकिन आप लोगों ने सुनिश्चित करना है कि कानून व्यवस्था जनपद इटावा में किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ईद भी बनी है, दिवाली भी बनी है, बकरीद भी बनी है, दशहरा भी बना है इटावा में, उसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से आपने ये भी चीजें निपटानी है, और कोई भी अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ाई से करना है। ये भी ध्यान रहे, कुछ गलत लोग, आप लोग दो लोग भी सड़क पर निकलेंगे, गलत लोग उसका फायदा उठा के कानून व्यवस्था खराब कर सकते हैं, खामुखा मुकदमे लिखे जाएंगे, कार्रवाई होगी, नौकरी में दिक्कत होगी, आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा। कोई मन में अगर दिक्कत है तो आप बात करिए मुझसे, इमरान भाई से बात करिए, शकील भाई से बात करिए, लेकिन किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को आप में नहीं लेना है। तो मैं उसी उम्मीद के साथ कि सब आप यहाँ पे नमाज संपन्न करा के अपने घरों को जाएंगे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, उम्मीद करूँ की शांति रहेगी। आवाज नहीं आ रही न लड़के, उम्मीद।